संभावित बाढ़ के मद्देनजर आपदा राहत व बाढ़ बचाव संबंधित बैठक उप जिलाधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में बाढ़ राहत तैयारियों को पुख्ता करने के लिए तहसीलों में एक वृहद अभ्यास किए जाने, संभावित बाढ़ को देखते हुए सभी तहसील मुख्यालयों पर राहत एवं बाढ़ से बचाव की तैयारियों को सुदृढ़ करने एवं उनको परखने के उद्देश्य से 12 जुलाई को बांसगांव में, 13 जुलाई को गोला, 14 जुलाई को सहजनवा, 15 को कैंपियरगंज, 16 को खजनी, 17 को चौरी चौरा तथा 18 जुलाई को सदर तहसील में वृहद मार्क ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, NDRF, आपूर्ति, SDRF, जिला प्रशासन सहित विभिन्न विभाग शामिल होंगे। बैठक में सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि सभी विभाग अपनी तैयारियों का पुनः आकलन कर लें तथा अपने सूचना तंत्र को और मजबूत बना लें। अपर जिलाधिकारी नगर ने सभी SDM को निर्देशित किया कि गांव में भी गोताखोरों को चिन्हित कर उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर अपने पास रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद ली जा सके। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल ने विभागवार कार्यों के बारे में सभी को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी तहसीलों में एक जिला मुख्यालय पर EOC का संचालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सभी उप जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसको तैयार कराया था, 200 ग्राम का एक ये पैकेट हम लोगों का था, जो कि हम लोगों ने एयर ड्रॉप किया था वहां से। इसका भी एक फुटेज है जो कि हमारे पास है। ये उसमें आप देखेंगे एक पुलिस व्हीकल इसको स्कॉर्ट कर रही है, आगे आगे मूव कर रही है। इसके आगे तहसीलदार कैंपियरगंज साहब की गाड़ी थी, तो वे इसको मतलब उस पूरे इसको प्रोसेस को हम लोग कॉरिडोर उपलब्ध करा रहे थे, जिसका भी एक मतलब मैं कहूँ तो एक फुटेज उसका भी है हमारे पास। अब ये NDRF की गाड़ी जिसे आगे मूव करी, उसके पीछे उनके ट्रक्स हैं, उनकी बसेस हैं, और ये पूरा ये पीटियाता का वो रूट है। एक तरफ देखिए पूरी गाड़ियों को एक साइड में करते हुए मूव कर रहे हैं, ये पूरा एक प्रोसेस किया गया था। ये स्टार्ट किया था पीटियाता का मेन मतलब जो सबसे कॉम्पैक्ट एरिया है वो वहाँ का है, तो यहाँ से इनको पूरा उन्होंने स्पॉट करके इनको अब स्पॉट तक पहुँचाया था। ताकि वो जो जिनके पास लाइफ जैकेट था, बोतल से निर्मित जो लाइफ जैकेट थे वो नहीं डूबे, उनको हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। एक व्यक्ति को लाइफ जैकेट पेक करके और एक को मोबाइल पेक करके, और इस तरीके से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं जो NDRF यूज करती है, बैक फील्ड और फील मेथड से उनको बाहर निकाला गया था। और एक गोताखोर के द्वारा नदी में डूबे हुए व्यक्ति की तलाश भी कराई गई थी, और जो गंभीर रूप से लोग किया था वहाँ पर। और एयर ड्रॉप जो कि हम लोगों ने किया था उसमें एक जो ये मैंने पुलिस दिखाया भी है, ये हम लोगों ने एक स्पॉट में ये जैसे हम लोगों ने इसकी मार्किंग कर रखी हुई है जहाँ जहाँ पे इस तरह के जो चिन्हित स्थल है, ताकि यार वो उसको उसको ऊपर से उनको दिखाई दे, तो वो 6 इंच चौड़े पट्टे पे लिखे गए हैं। तो ये जैसे एक छत है जिस छत पे ड्रॉपिंग फूड पैकेट गया जा रहा था, वो इसके ये मार्क किया गया था ताकि ऊपर से उसको दिखाई दे सके किस काम वहाँ पर हुआ था। S मतलब सदर, अगर वही चोरी चौरा होता तो CC1 तो चोरी चौरा हो जाता, फिर अगर वो गोला है तो G1 तो वो गोला का पार्ट हो जाएगा।